Welcome to the top ones. Bugatti la Voiture Noire, world's most expensive car. आप जानते हैं ये दुनिया की सबसे महंगी कार है, लेकिन जानते हैं ये क्यों दुनिया की सबसे महंगी कार है? क्या इसके ऑनर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस Bugatti la Voiture Noire के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर हम इसकी ओवरऑल लुक की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग लुक है. आई थिंक Bugatti Chiron के बाद ये Bugatti की सबसे अच्छी दिखने वाली कार है. वैसे पर्सनली मुझे Chiron ज़्यादा अच्छी लगती है. आपको कौन सी अच्छी लगती है, Bugatti Chiron या ये Bugatti la Voiture Noire? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगती है. इसकी एग्जॉस्ट पाइप तो ऑसम है ही. इसमें है क्वाड टर्बो 8 लीटर W16 का इंजन जो जनरेट करता है 1500 हॉर्स पावर एंड 1600 न्यूटन मीटर. इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये कार Bugatti की वो कार नहीं है जिसको बनाने के बाद बायर ढूंढा गया. ये वो कार है जिसको बनाने से पहले बायर ढूंढा गया. Bugatti वालों ने इसका पहले डिज़ाइन बनाया था और वो डिज़ाइन को लेके वो इसके बायर के पास चले गए भी अगर आप इंटरेस्टिंग हो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं. तो बायर ने बोला भी जरूर मैं ये कार के ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा. तो बायर ढूंढने के बाद ही इस कार के ऊपर काम स्टार्ट किया गया था. यानी कि ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी कार है. मुझे पता है आप इस कार को ख़रीदना चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? कोई बात नहीं. अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 136 करोड़ रुपीज़. इस कार का जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर है Bugatti के कार जो 1930 में लॉन्च हुई थी, Bugatti 57 SC Atlantic. काफ़ी अमेजिंग कार है. ये भी 4 ही बनाई गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. और आप जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे महंगी कार क्यों है? जैसा कि आप जानते हो कि Bugatti काफ़ी लंबे अरसे से पूरे टॉप पे रहा है लग्जरी और पावर के मामले में. और Bugatti की जो टारगेट ऑडियंस है वो दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान होते हैं उनको ये टारगेट करती है. और ये कार इंडस्ट्रीज में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है. जैसा कि आप जानते हो कि Bugatti Chiron के सिर्फ 400 यूनिट्स ही बनाए गए हैं और इसी तरह Bugatti Devo के सिर्फ 40 यूनिट्स ही बनाए गए हैं. बट दिस कार ये सिर्फ एक ही बनाई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसीलिए इसका प्राइस है और इसीलिए ये $11 मिलियन की बनकर तैयार हुई थी. और ये टैक्सेस के बाद 11 मिलियन की कार बन गई 19 मिलियन की. यानी कि 79 करोड़ रुपीस की कार 136 करोड़ की बन चुकी थी आफ्टर ऑल द टैक्सेस. Bugatti ने अपनी 110th ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए इस कार को डिज़ाइन किया था. और जैसा कि मैंने बताया कि डिज़ाइन करने के बाद ये गए बायर के पास कि बायर साहब क्या आप इंटरेस्टेड हो? वो बोला यार मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, कोई बात नहीं. तो उसके बाद ही इस Bugatti के प्रोजेक्ट पर काम किया गया. गाइज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो कार आप फुटेज में देख रहे हो ये इनकम्प्लीट है. यानी कि ये पूरी कम्प्लीट नहीं है, इसका इंटीरियर पूरा कम्प्लीट नहीं है. इसलिए आप देखते हो कि इसका इंटीरियर अभी तक रिवील नहीं किया गया. Bugatti इस पे अभी और 1 साल काम करेगी, उसके बाद जाकर ही Bugatti ये कार को कम्प्लीट कर पाएगी. इसका मतलब है कि जो इसका ऑनर है उसको भी ये Bugatti la Voiture Noire 1 या 1.5 साल बाद ही मिल पाएगी. अब इसकी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं. गाइज ये कार 0 to 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है सिर्फ 2.5 सेकंड्स में. और इसकी जो टॉप स्पीड है वो Bugatti की Chiron जितनी ही है, 420 km/h. क्योंकि Bugatti Chiron और इसका इंजन दोनों सेम ही है. अब इसके ऑनर के बारे में बात करते हैं. गाइस बहुत सारी न्यूज़ वायरल हो रही हैं कि इसका जो ऑनर है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं. ये एक फुटबॉल प्लेयर है जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस कार के ऑनर नहीं है. Bugatti के जो एजेंट्स हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस कार के ऑनर नहीं है. तो अब क्वेश्चन आता है इस कार का ऑनर कौन है? ये अभी तक प्राइवेट ही रखा गया है. Bugatti ने अभी तक किसी को नहीं बताया है, अभी तक रिवील नहीं किया गया है कि इसका ऑनर कौन है. तो Bugatti ने मुझे भी बोला था कि प्लीज आप मत बताइए. तो ठीक है भाई, नहीं बताएंगे. तो मेरे काफी अच्छे प्लान है फ्यूचर में, तो आप प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो आपका दिल की गहराइयों में जो समुंदर है उस समुंदर में से बाल्टी भर के आपको धन्यवाद. आई होप आपको इस कार के बारे में काफी नई बातें सीखने को मिली होंगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू. लाइक करना मत भूलिएगा.